हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। जीनियस कई नाम से बुलाए जाते हैं, लेकिन जिस जीनियस के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उन्हें कभी ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है तो कभी मेंटल कैलकुलेटर। 201 डिजिट के नंबर का 23rd रूट कैलकुलेट करने वाली जीनियस को आप शायद दुनिया के अनोखे आश्चर्यों में भी गिन सकते हैं। इतने डिजिट्स को लिखने में एक प्रोफेसर को 4 मिनट का समय लगा और कंप्यूटर को कंप्यूट करने में 1 मिनट का समय लगा, लेकिन इस जीनियस ने इस सवाल को केवल 50 सेकंड में सॉल्व कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ फेमस मैथमेटिशियन और न्यूमरोलॉजिस्ट शकुंतला देवी की। शकुंतला देवी का जन्म एक बहुत ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता को पंडित बनना था, लेकिन उन्होंने बगावत की और पंडित बनने के बजाय सर्कस ज्वाइन कर लिया। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बैंगलोर में हुआ। वो 3 साल की थी जब उनके पिता उन्हें कार्ड का मैजिकल गेम दिखाते थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि शकुंतला बहुत ही जल्दी नंबर्स को याद कर लेती है। उन्होंने जब अपनी बेटी की इस अद्भुत प्रतिभा को देखा तो उन्होंने सर्कस छोड़ रोड शो कर अपनी बेटी की प्रतिभा का प्रचार प्रसार करने लगे। शकुंतला देवी का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए वो कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाई, लेकिन इस रोड शो के जरिए उन्होंने कैलकुलेशंस की क्षमता को दिखाकर कमाई का जरिया जरूर ढूंढ लिया था। मात्र 6 साल की उम्र में ही शकुंतला देवी ने मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने अर्थमेटिक कैपेबिलिटीज को शो किया और वहाँ के लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया। 1944 में वे अपने पिता के साथ लंदन चली गई। उसके बाद वो दुनिया के कई हिस्सों में घूम घूम कर अपने इस प्रतिभा को दिखाती रहीं। उनकी कैलकुलेशंस और नंबर को याद रखने की प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त थी कि 1982 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा गया और वो अपने समय में मैथ्स की हीरोइन और कंप्यूटर से भी तेज मानी जाती थी। 5 अक्टूबर 1950 को BBC चैनल ने उनकी प्रतिभा पर एक शो दिखाया और उसके बाद ही उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का नाम दिया गया। वैसे उन्हें यह कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान के दिमाग की तुलना एक डिब्बे जैसे कंप्यूटर से नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं था कि शकुंतला देवी ने अपने जीवन में सिर्फ सफलताएं देखी थी, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार होना पड़ा था। वो वक्त ऐसा था जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास के लोग उनकी प्रतिभा से जलते थे और उन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। लोगों के इस व्यवहार से आहत होकर शकुंतला देवी ने सब छोड़ छाड़ कर एक मठ ज्वाइन कर लिया था और सन्यासिनी बनने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो अपने मैथ्स के प्रेम से 1 हफ्ते से ज़्यादा दूर नहीं रह सकी और उन्होंने मठ छोड़ दिया। 1960 में शकुंतला देवी वापस अपने देश आईं और उन्होंने कोलकाता के एक IAS ऑफिसर परितोष बैनर्जी से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड गे हैं और उस वक्त भारत में गे रिलेशनशिप एक जुर्म था। उन्होंने अपने पति के जीवन को काफ़ी करीब से महसूस किया और उससे प्रेरित होकर उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। उसमें उन्होंने लिखा था कि होमोसेक्सुअलिटी उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यह मानवता है और लगभग 6 लोगों में से 1 में होमोसेक्सुअल्स होने की टेंडेंसी होती है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो उन लोगों में से एक थी जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को वैधानिक यानी कि लीगल करार देने के लिए आवाज़ उठाई थी। हालांकि 1979 में उनका तलाक हो गया। उसके 1 साल बाद ही 1980 में शकुंतला देवी इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, पर वो हार गई। शकुंतला देवी को पहला यूनिवर्सल फेम तब मिला था जब उन्होंने 1980 में 13 डिजिट्स के 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर 28 सेकेंड में ही सही आंसर दिया था। शकुंतला देवी को पहला यूनिवर्सल फेम तब मिला था जब उन्होंने 1980 में 13 डिजिट्स के 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर 28 सेकंड में ही सही आंसर दे दिया था। शकुंतला देवी ना केवल नंबर्स की जीनियस थी, बल्कि कई चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेती थी। यही वजह है कि उन्होंने कुकरी और बाकी कई विषयों पर भी किताबें लिखी हैं। शकुंतला देवी की एक बेटी है जिसका नाम है अनुपमा बैनर्जी, जो अब लंदन में रहती हैं। आपको शकुंतला देवी और उनकी बेटी के रिलेशनशिप विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत हद तक सच्चाई होगी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग में उनकी बेटी ने पर्सनली बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। विद्या बालन की यह मूवी अमेजन प्राइम पर 31 जुलाई को रिलीज होगी। 2013 को शकुंतला देवी की सांस लेने की तकलीफ और किडनी में समस्या के कारण बेंगलोर में उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 83 साल की थी। इस जीनियस की कहानी ना केवल इंस्पायरिंग है, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और इस जीनियस की कहानी को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो वेट कीजिए 31 जुलाई का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।